गाइज, आप सब लोगों की विशेष मांग पर मैंने यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के सेशन शुरू कर दिए हैं और सबसे पहले हमने यहाँ पर नाउन को पढ़ाना शुरू किया है। पिछले दो वीडियोज में हमने सीखा कि नाउन क्या होता है और सेकेंड वीडियो में हमने देखा था कि नाउन के पार्ट्स कितने होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल में जाके आप प्ले लिस्ट कॉलम में जाइएगा, वहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर जाकर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नाउन एंड इट्स नंबर्स। हेलो एवरीवन, दिस इज मंगल शेखर बार एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। तो आज हम सीखने वाले हैं नाउन एंड द नंबर्स। नाउन क्या है ये मैं पहले बता चुका हूँ। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और मैंने ये भी डेफिनेशन बताई थी कि हमारे चारों तरफ हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब नाउन होता है, नाउन के अलावा और कुछ नहीं होता। जो कुछ भी दिखेगा वो सब नाउन होगा, क्योंकि दिखने वाली वो चीज़ या तो पर्सन होगा या प्लेस होगा या थिंग होगा, इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो हमारे चारों तरफ जो कुछ दिखाई देता है वो नाउन है। ऑल अराउंड अस व्हाट एवर वी सी दैट इज कॉल्ड अ नाउन। तो ये है डेफिनेशन, मेरी वाली डेफिनेशन बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। वो पुरानी डेफिनेशन से हटकर कुछ बोलेंगे तो ये डेफिनेशन क्लियरली हो जाएगी। वहाँ हम सीखते थे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसा क्यों कहते हैं कि नाउन किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को बोलते हैं, बल्कि हम ये कहें कि हमारे चारों तरफ हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो नाउन है। तो आगे से आपसे कोई कभी कुछ पूछने वाला है कि नाउन क्या है, तो आप कहेंगे कि सब कुछ नाउन है, हमें जो कुछ दिख रहा है वो नाउन है। नाउन और क्या है वो पिछले वीडियो में मेरे में जाके देखिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं, नाउन एंड द नंबर। नाउन जैसे कि आपने देखा कि वस्तु और व्यक्ति, स्थान होता है, तो उसमें कोई वस्तु कितनी संख्या में है, नंबर्स कितनी संख्या में है, एक या एक से ज़्यादा है, तो एक या एक से ज़्यादा उसका होना इसे कहा जाता है नंबर्स, यानी कि हिंदी में कहते हैं वचन। एक वचन और बहुवचन आपने हिंदी में देखा होगा, और इसी तरह से यहाँ पर भी सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर दो तरह के नंबर्स होते हैं। तो ये समझ में आ गई बड़ी क्लियरली कि नाउन के नंबर्स क्या होते हैं। नाउन के नंबर्स यानी कि एक या एक से ज़्यादा जो वस्तु होती हैं, तो संख्या को नंबर्स कहा जाता है। तो जब कोई चीज़ एक होती है, कोई नाउन एक होता है, तब वो सिंगुलर नंबर की कैटेगरी में आता है, तब उसे कहा जाएगा सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। और जब एक से ज़्यादा होता है तब वो होता है प्लुरल, प्लुरल नंबर, प्लुरल नंबर, ठीक है। अब सिंगुलर हिंदी में इसको सिंगुलर में आप लोग बोलते हैं, सिंगुलर भी बोला जा सकता है, सिंगुलर इसकी सही जो उसका प्रोनाउंसिएशन यही है। तो इसको हम बोलेंगे, हिंदी में बोला जाए तो इसको कहेंगे एक वचन, और इसको कहेंगे बहुवचन। बहु से पता पड़ रहा है यानी कि बहुत। अब बहुत का मतलब बहुत ही नहीं है, यहाँ का मतलब है एक से ज़्यादा हुआ तो बहुवचन में आ गया, प्लुरल में आ गया, बहुवचन यानी कि एक से ज़्यादा। तो वन और मोर देन वन, दैट इज कॉल्ड नंबर्स, दैट इज कॉल्ड नाउन नंबर्स। एक और एक से ज़्यादा, जब एक होता है तब उसे सिंगुलर नंबर कहा जाता है, और एक से ज़्यादा होता है तो प्लुरल नंबर कहा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बी ओ बाई बॉय लिखा, ये नाउन है, आप सबको पता है बॉय यानी कि लड़का, और एक से ज़्यादा लड़के होते हैं तो ये हुआ बॉयज़ यानी कि लड़के। इसी तरह से मैंने लिखा पेन, तो एक पेन की बात की जा रही है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पेन है, भले ही दो हैं या दस हैं या बीस हैं या सौ हैं, मैं उनके लिए पेंस लगाऊंगा, पीछे संख्या लिख दी जाएगी कि टेन पेंस, फाइव पेंस, हंड्रेड पेंस, लेकिन एक से ज़्यादा होगा तो वो पेंस हो गए। तो ये हुआ, हम बात करें यहाँ पर, इसे कहा जाएगा हिंदी में, अब किस तरह से वो डिफाइन होता है हिंदी में, कैसे बोला जाता है, उस पर डिपेंड करता है। लड़का और ये हुआ
लड़के। अब पेन की बात करें तो एक पेन, और ये पेन्स की बात करें तो फिर भी पेन ही बोला जाएगा, बहुत सारे पेन। अब यहाँ पर हमें क्या सीखना है, ये तो आपको समझ में आ गया कि नाउन और नंबर्स क्या होते हैं। एक है तो एक सिंगुलर नंबर बोला जाता है, और एक से ज़्यादा है तो उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है। अब हमें ये सीखना है कि नंबर्स को चेंज कैसे किया जाता है, सिंगुलर नंबर से प्लूरल में कैसे चेंज किया जाता है। मोस्टली आप सब लोग समझते हैं कि वहाँ पर एस लगा दिया जाता है, इन दोनों में मैंने एस लगाया है, बॉयज़ बॉय का बॉयज़ लिख दिया, पेन का पेंस लिख दिया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, यूजुअली होता है, जनरली होता है, अधिकतर होता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। इसलिए अगर आप अब तक हर एक नाउन को एस लगाकर प्लूरल बनाते आ रहे हैं तो आप गलती करते आ रहे हैं। तो आज हम वो भी सीखने वाले हैं कि किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो मोस्टली हमें एस लगाकर किया जाता है, पहला रूल तो यहीं से निकल के आता है। मैंने एक बात यहाँ पर लिख दी कि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एस लगानी पड़ती है, बाय एडिंग एस, एस लगाकर उसे प्लूरल बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये बॉय हुआ, पेन हुआ, और लिखा जा सकता है, कितने भी लिखे जा सकते हैं, गर्ल एक लड़की, और गर्ल्स यानी कि बहुत सारी लड़कियां, चेयर यानी कि एक कुर्सी, चेयर्स यानी कि एक से ज़्यादा कुर्सियाँ। अब ये तो हुई एस लगाने की बात, लेकिन एस हमेशा नहीं लगाया जाता, यहाँ भी एक नियम काम करता है। नियम ये है कि हम यहाँ पर किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट लेटर को देखेंगे। यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड होता है, देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, एस डबल एस सी एच एस एच और एक्स जेड होता है, तो अब हम क्या करेंगे, उसे प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाएंगे, ना कि एस लगाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है बस, इसका लास्ट लेटर एस है, तो इसका प्लूरल बनेगा बी यू एस ई एस, ना कि बी यू एस डबल एस कर दें आप। ग्लास है, जी एल ए डबल एस, इसका लास्ट लेटर क्या है, डबल एस, देख रहे हैं आप यहाँ पर, तो इसका बनेगा जी एल ए डबल एस ई एस, ग्लासेस प्लूरल बन जाएगा, ग्लास यानी कि एक ग्लास, ग्लासेस यानी कि बहुत सारे ग्लास, बस यानी कि एक बस, बसेस यानी कि एक से ज़्यादा बस। अब बश आ गया, बी यू एस एच, बश, बश में यहाँ पर क्या आया, एस एच आया, इनमें से एस एच आ गया, तो एस एच होने पर भी यही काम हम करने वाले हैं, बी यू एस एच ई एस लगा देंगे तब प्लूरल बनेगा, ना कि एस लगाया जाएगा। मैच को देखेंगे, एम ए टी सी एच, यहाँ पर आ गया सी एच, देखिए तो इसे प्लूरल बनाने के लिए हम एम ए टी सी एच ई एस, अगर कोई एकेडमिक स्टूडेंट भी देख रहा है तो इस वीडियो को देख सकता है कि एकेडमिक में भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, वहाँ लिमिटेड पूछा जाता है, तो एक्स्ट्रा पढ़ लें तो बहुत अच्छी ही बात है आपके लिए। यहाँ पर आ गया एक्स, तो एक्स ये आ गया, देखिए एक्स आया है, तो एक्स की कंडीशन में भी यहाँ पर हमें ई एस लगाना होगा, टी ए एक्स ई एस, टैक्सेस। अब आया यहाँ पर टोपाज, टोपाज में आ गया जेड, तो जेड की कंडीशन में भी टी ओ पी ए जेड आ गया, ई एस लगाना पड़ेगा। तो ये नियम क्या कह रहा है, अगर किसी नाउन के लास्ट लेटर एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और जेड होता है, तो उस कंडीशन में आपको उसे प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ई एस लगाना होगा। जैसे कि बस का बसेज हुआ, बश का बशेज हुआ, और इसी तरह से हमने टोपाज का टोपाजेज किया और ग्लास का ग्लासेज किया। ये तीसरा नियम भी एस के नियम से ही निकल के आता है। यदि किसी नाउन का लास्ट लेटर बाई होता है और बाई से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया होता है,
देख तो वहाँ पर क्या करते हैं, तो बाई को उस कंडीशन में हटा दिया जाता है और बाई की जगह पर आई लिखना होता है और ई एस लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट लेटर इज बाई, इफ लास्ट लेटर इज बाई, अगर बाई है लास्ट लेटर किसी सिंगुलर नाउन का और उसके जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, जस्ट पहले क्या दिया है, कॉन्सोनेंट दिया है, तो उस बाई को रिमूव करते हुए रिमूविंग बाई मेक इट आई ई एस, तो बाई की जगह पर आई लगा देते हैं और ई एस लग जाता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं लेडी, एल ए डी बाई लेडी, तो बाई जो दिया है यहाँ पर लास्ट लेटर बाई है और बाई से देखिए ठीक पहले क्या है डी, और डी को डी क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, जो लोग जानते नहीं हैं उन्हें बता देता हूँ, इंग्लिश 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, और उन 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स वोवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, और उनको छोड़कर बाकी के जो होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो देखिए उन 21 कॉन्सोनेंट में एक डी भी होता है, तो डी है बाई से ठीक पहले, लास्ट लेटर बाई है, बाई से ठीक पहले डी है, कॉन्सोनेंट है, तो हम इसे प्लुरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एल ए डी बाई को हटा देंगे, जैसा कि लिखा है रिमूविंग बाई, बाई को हटा देंगे और उसकी जगह पर हम आई लगा देंगे और ई एस लगा देंगे, तो लेडी का लेडीज हुआ। ठीक इसी तरह से सिटी में भी यही कंडीशन बन रही है, बाई है लास्ट लेटर उससे पहले टी कॉन्सोनेंट है, तो हम इसमें भी वही काम करेंगे, सी आई टी बाई को हटाया, आई कर दिया और ई एस लगा दिया। इसी तरह से लिली में भी यही काम हो रहा है, लिली में एल आई किया और लास्ट लेटर देखिए बाई है, बाई से पहले एल है, एल कॉन्सोनेंट होता है, यहाँ पर भी हमने एल लगाया और बाई को हटाकर आई एस किया, लिली का लिलीज हुआ। ऐसे ही नर्सरी का हो रहा है, नर्सरी में लास्ट लेटर बाई है, बाई से ठीक पहले आर है, एक कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए हम इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे, नर्सरी नर्सरीज हो जाएगा, ये बाई को हटाया, आई लगा दिया और ई एस लगा दिया, तो इस तरह से ये तीसरा नियम काम करता है। अब चौथा नियम उसी बाई वाले नियम से आ रहा है, अभी अभी हमने कहा था कि बाई होता है लास्ट लेटर और बाई लास्ट लेटर है उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो हम बाई को हटाकर आई एस कर देते हैं, लेकिन बाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट नहीं होता है, वोवेल होता है कोई, तब हम उस बाई को नहीं हटाएंगे, उस बाई की जगह पर बाई के ठीक बाद हम एस लगा देते हैं, तो वो एक प्लुरल नाउन बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट लेटर इज बाय एंड बिफोर इट देयर इज एन वोवेल, अंतिम अक्षर बाई है और उससे ठीक पहले एक वोवेल है, तो हम क्या करते हैं उसे एस लगाकर प्लुरल बनाते हैं बाई एडिंग, वी मेक इट प्लुरल बाई एडिंग एस। तो देखिए यहाँ पर टॉय लिखा है, टॉय में बाई है लास्ट लेटर से ठीक पहले ओ है और ओ एक वोवेल होता है, तो अब हम इसे बनाएंगे प्लुरल तो एस लगा देंगे। ऐसे ही है वैली, और वैली में बाई है लास्ट लेटर उससे ठीक पहले ई है, ई वोवेल होता है, तो इसे भी हम डब्ल्यू ए वी ए डबल एल ई बाई एस लगा देंगे, वैलीज हो जाएगा। ऐसे ही जर्नी में भी बाई है, बाई से ठीक पहले ई है, तो ई एक वोवेल होता है, अभी अभी मैंने बताया था कि ए ई आई ओ यू वोवेल होते हैं, तो यहाँ भी हम केवल एस लगाएंगे, जे ओ यू आर एन ई बाई एस। तो चौथा नियम हुआ, हमने देखा इसमें अगर लास्ट लेटर बाई है, बाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, तो बाई को हटाकर आई ई एस कर दिया जाता है, और अगर लास्ट लेटर बाई है, बाई से ठीक पहले एक वोवेल होता है, तो बाई को नहीं हटाया जाता और बाई के ठीक बाद एस लगा दिया जाता है। पांचवें नियम में मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, लेकिन वो बात ध्यान करने वाली बात है, वो बात ध्यान करनी होगी आपको। अगर मैंने अभी पिछले नियम में लिखा था, सेकंड या थर्ड नियम में बताया था कि लास्ट लेटर एस एस सी एच डबल एस वगैरह होते हैं, तब हम वहाँ पर ई एस लगाते हैं,
लेकिन यहाँ पर उस नियम का खंडन कर रहा है, उस नियम को तोड़ने वाला एक नियम आया है। नियम ये कह रहा है कि हमें लास्ट के नियम वर्ड से उच्चारण भी देखना है। अगर अंत में किसी सिंगुलर नाउन के अंत में आ रहा है सी एच और वो सी एच चा का उच्चारण देता है, सा का उच्चारण देता है, तो आप ई एस लगा रहे होते हैं। लेकिन अगर वो सी एच सी एच का उच्चारण भी देता है, का प्रोनंसिएशन भी देता है, अगर सी एच का उच्चारण दे रहा है तो हम उसको ना कि ई एस लगाएंगे बल्कि उसको ठीक एस लगा के उसे प्लूरल बनाया जाएगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल। सी एच का उच्चारण दे, चा का ना दे, उस कंडीशन में हम वहाँ पर एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि एम ओ एन ए आर सी एच, बहुत से लोग इसे मोनार्च बोल देते हैं लेकिन ये मोनार्क है, मोनार्क। तो इस मोनार्क ये क्योंकि का उच्चारण देता है तो यहाँ पर हम इसे एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, एम ओ एन ए आर सी एच, ना कि ई एस लगाया जाएगा, यहां पर एस लगाया जाएगा। इसी का एक और एग्जाम्पल है स्टमक। तो इसे भी लास्ट में जो सी एच है ये भी का उच्चारण दे रहा है, ये सी एच भी का उच्चारण दे रहा था, तो इसे बोला जाता है मोनार्क और इसे बोला जाता है स्टमक। तो ये का उच्चारण दे रहा है इसलिए यहां पर भी एस लगाकर इसे प्लूरल बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आज पांच नियम हुए। और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए और भी बहुत सारे नियम हैं, आगे के पार्ट में हम सीखेंगे। वीडियो लेंथी हो जाता है, एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, तो इसका पार्ट टू होगा, नाउन एंड द नंबर्स का पार्ट टू होगा, उसमें बाकी के नियमों की मैं बात करूंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा समय पर हमारे वीडियो मिल जाएगा। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।